के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति भवन में दो हॉल के नाम जो है वो बदले गए हैं। नए नाम क्या रखे गए हैं आपको बता देते हैं। दरबार हॉल अशोक हॉल का नाम बदला गया है। दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप होगा। तो दरबार हॉल का नाम जो है वो बदल दिया गया है और अब दरबार हॉल का नाम जो है वो गणतंत्र मंडप होगा। दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदले गए हैं। देखिए, नाम बदलने को लेकर इससे पहले भी सियासत खूब हुई है, चाहे वो शहरों के नाम हो, चाहे वो सड़कों के नाम बदलने की बात हो। बीजेपी को लगातार कांग्रेस घेरती रही है पिछले वक्त में। नाम बदलने को लेकर खूब राजनीति गरमाई रही। अब नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का करारा हमला। दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, ये प्रियंका ने कहा। ये सिर्फ शहंशाह का कॉन्सेप्ट है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। तो दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, ये सिर्फ शहंशाह का कॉन्सेप्ट है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति हो रही है नाम बदलने को लेकर। पहले भी बीजेपी जो है वो घिरती हुई विपक्षी दलों से दिखती रही है और एक बार फिर से अब नाम बदलने को लेकर सियासत जो है वो जोरों शोरों से हो रही है, जिसमें प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का मनोहर केसरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के दो हॉल के नाम बदले गए हैं, अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सबसे पहला बयान प्रियंका गांधी का सामने आ गया है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा और बिना नाम लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दरबार हॉल तो राष्ट्रपति के दरबार हॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ का कोई भी आइडिया नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप निशाना समझ सकते हैं किस पे था। हालांकि अगर हम पूरे नामांकन को अगर देखें, जिस प्रकार से चेंज किया गया है, तो आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। उससे पहले जब हॉल के बारे में अगर हम देखें, हम अपने अगर दर्शकों को बताएं, तो दरबार हॉल जो है तो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। उसकी अपनी खास अहमियत है। जब ऑडियंस ने बनाया था उस वक्त सबसे भव्य उन्होंने जो चित्रकारी की थी, जो डिज़ाइन पेपर पर उतारा था, उसने पूरी ताकत छूप और ये भव्य दरबार जो है तो आज हमारी शोभा बढ़ा रहा है। सबसे पहले वायसराय यहीं पे रहते थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आज़ादी के बाद जब उन्होंने पहला शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था और प्रधानमंत्री पद की शपथ दरबार हॉल से की, और फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका निधन हुआ था, उनकी श्रद्धांजलि सभा 1977 में इसी दरबार हॉल में हुई थी। और उसके बाद जो है तो ये सैन्य और असैन्य पुरस्कार के लिए, मतलब जो हम अवार्ड समारोह देखते हैं राष्ट्रपति इस दरबार हॉल में ही आयोजित होता है, तो अब इसका नाम जो है तो गणतंत्र मंडपम रखा गया है। क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, तो पुराने जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों के जो गुलामी के प्रतीक थे वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए से बदला गया। लेकिन राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन मनोहर, नाम बदलने के पीछे का आधार क्या बताया जा रहा है? ठीक है, साफ तौर से है जो भी हमने बताया कि नाम बदलने की ओर से आधिकारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब इसकी प्रासंगिकता, मतलब अभी इन नाम का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दरबार उस समय लगा करता था जब अंग्रेजों का समय था, राजा रजवाड़ा का समय था, जब सभाएं लगा करती थी और लोगों को बुला करती राजा और या तो फिर वाइसराय लोगों की चीजें सुनती थी और अपना हुक्म चलाते थे। तो अब उस गुलामी का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि भारत गणतंत्र है और ऐसी स्थिति
में ही दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडपम रखा गया है। वहीं अगर अशोक हॉल की बात करें तो अशोक हॉल का नाम भी अब अशोक मंडपम रखा गया है। अशोक हॉल वो हॉल है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता है, वो बॉल रूम कहलाता है जी। लेकिन नाम बदलने को लेकर तो बीजेपी पहले भी घिरती हुई नजर आई, चाहे वो शहरों के नामों का जिक्र हो, चाहे सड़कों के नामों का जिक्र हो, लेकिन अब विपक्ष इसे कैसे देखता है? विपक्ष की तरफ से अभी तक क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रियंका गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो? देखिए, लगातार विपक्ष से लेकर के वार कर रहा है और कह रहे हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से क्या, देश के हालात बदल जाएंगे, लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अटैक करते हुए नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर केसरी। तो राष्ट्रपति भवन में दो हॉल के नाम जो हैं वो बदले गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर